नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद और आप देख रहे हैं टेक गुरु। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि मल्टीपल लैंग्वेज ट्रांसलेटर के जो AIA फाइल है, वो AIA फाइल के लिए कमेंट किया था। तो मैं आपको आज मल्टीपल लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐप का AIA फाइल दूंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इसको एडिट करके अपने लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर मल्टीपल लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मैंने लैंग्वेज ट्रांसलेटर बनाया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी कि इसका डिज़ाइन कैसा है। प्रीव्यू दिख रहा होगा आपको कि इसका डिज़ाइन कैसे है और उसमें कैसे कैसे आपको लैंग्वेज चेंज करके कौन से लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है वो आप कर सकते हैं। तो वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसा कि मैंने इसमें क्या क्या लिया है। तो ये हो गया हमारा स्क्रीन के अंदर हमने लिया है वर्टिकल अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। तो जैसे कि हमने दो हॉरिजॉन्टल लिया है, वर्टिकल लिया है। तो वर्टिकल में क्या क्या लिया हमने? वर्टिकल में टेक्स्ट बॉक्स लिया है, ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया। दूसरा हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लिया है इसके अंदर, जिसके अंदर हमने लिस्ट पिकर लिया है। लिस्ट पिकर के अंदर हमने लैंग्वेज को डिफाइन किया है। तो इसका मैं आपको अभी ब्लॉक भी दिखा दूंगा कैसे ब्लॉक बना हुआ है। और ये लेबल है जिसमें कि आपका रिजल्ट शो होगा। और एक मैंने और यहाँ पे ये बटन है हॉरिजॉन्टल, और ये एक हॉरिजॉन्टल मैंने लिया है। आपको अगर एडवर्टीजमेंट लगाना है, एड मोब का बैनर लगाना है तो आप इसमें लगा सकते हैं। और एक हमने यहाँ पे बटन लिया है, ट्रांसलेट का बटन लिया है। तो ये चीज़ें आपको लेनी है, ट्रांसलेट बटन इसके अंदर है, इस हॉरिजॉन्टल के अंदर। और आपको यहाँ पे एक यूज़ करना है यंडेक्स ट्रांसलेटर का, जो आपको मिल जाएगा यहाँ पे मीडिया के अंदर। यंडेक्स ट्रांसलेटर आप यहाँ से जाके आप यहाँ पे आपको URL मिल जाएगा। ये यहाँ से आपको जाके इसके लिए की जनरेट करना होगा, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं यंडेक्स की। और ये की आपको यहाँ डालेंगे तभी ये वर्क करेगा। और ये की आपको कैसे जनरेट करना है, यहाँ पे आप इंडेक्स की साइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट न्यू API न्यू की। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालने के लिए कह रहा है आपको, क्या डिस्क्रिप्शन किसके लिए आपको बनाना है वहाँ डिस्क्रिप्शन डालना है। उसके बाद ये क्रिएट करेंगे, क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पहले से बना रखा है जो कि मैंने इसमें पुट कर रखा है। इसको आपको चेंज कर देना है और डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंग आप कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। अगर डिज़ाइन भी आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई कर सकते हैं इसको। चलिए मैं इसका ब्लॉक आपको दिखा देता हूँ कि ब्लॉक कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पे जैसे स्क्रीन इनिशियलाइज होगा, वहाँ पे लिस्ट पिकर आपका ये लिस्ट ग्लोबल से लिस्ट उठा लेगा यहाँ से, और बटन वन के क्लिक पे ये ट्रांसलेट होगा। रिक्वेस्ट ट्रांसलेशन लैंग्वेज टू ट्रांसलेट, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज लेगा वो आपको लिस्ट पिकर से वो लैंग्वेज चूज करना है, और किस टेक्स्ट कौन से टेक्स्ट को आपको ट्रांसलेट करना है। तो आपको ये जो टेक्स्ट बॉक्स वन में होगा उसी को ट्रांसलेट करना है। और ट्रांसलेट करने के बाद गॉट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट करने के बाद आपको कहाँ शो कराना है उसे, वो आपको इसमें लेबल में शो कराना है। और ये ग्लोबल इनिशियलाइज किया गया, ग्लोबल लिस्ट लैंग्वेज की लिस्ट, यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, ये दो चार पाँच लैंग्वेज हमने डिफाइन कर रखी है। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें बढ़ाना घटाना है लैंग्वेज को तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें आप ऐड कर दीजिए, ऐड करना है या रिमूव करना है तो रिमूव कर दीजिए, आप रिमूव कर दीजिए, हो जाएगा। तो दोस्तों, यही था आज के इस वीडियो में, इतना ही। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है इसको एडिट करने में इसको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सलूशन ज़रूर मैं करूँगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। आज के इस लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।